वेलकम टू नाज़रीन सामेन इकराम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात हम सब पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए, हमारे गुनाहों पे अफ़ु और दरगुज़र फरमाए, हमें अमले सालेह करने की तौफीक अता फरमाए, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पे चलने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, अपील के सिलसिले में वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। आज का मेरा मौजू भी अपील से ही रिलेटेड है कि अगर किसी के ख़िलाफ़ तो गलत डिग्री जजमेंट ऑर्डर पास हो जाता है, फाजल अदालतें कर देती हैं, तो उसके लिए क्या हल है, वो क्या कर सकते हैं। तो ये दफ़ा 423 है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 अपडेटेड 22। एपलेट कोर्ट की पार्स क्या हैं, क्या इख्तियारात हैं, अगर वो अपील सही ग्राउंड्स पे की गई है तो उसको वो देखेगी, सुनेगी। उसके लिए ये है कि एपलेट कोर्ट कैन रिकॉर्ड इन शॉर्ट ऑलरेडी इज नॉट ऑलरेडी इन कोर्ट, मीन कि एपलेट कोर्ट इफ कंसिडर्ड द अपील कैन कॉल रिकॉर्ड इज नॉट ऑलरेडी इन हिज कोर्ट आफ्टर परसुइंग सच रिकॉर्ड एंड हेयरिंग द एपलेंट आर हिज प्लीडर इफ ही अपीयर्स एंड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स इफ ही अपीयर्स एंड इन केस ऑफ एन अपील अंडर सेक्शन 411 ए सब सेक्शन 2 और सेक्शन 417 द अक्यूज्ड इफ ही अपीयर्स द कोर्ट में इफ कंसिडर दैट देर इज नो सफिशेंट ग्राउंड फॉर इंटरफेयरिंग डिसमिस द अपील और मे इन एन अपील फ्राम एन ऑर्डर ऑफ अक्यूटर रिवर्स सच ऑर्डर एंड डायरेक्ट दैट फर्दर इंक्वायरी बी मेड आर दैट द अक्यूज्ड रिटायर्ड आर सेंट फॉर ट्रायल टू द कोर्ट ऑफ सेशन आर हाई कोर्ट एज द केस में भी आर फाइंड देन हिम गिल्टी एंड पास सेंटेंस ऑन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ सबसेक्शन 2 इन एन अपील फ्रॉम अ कन्विक्शन रिवर्स द फाइंडिंग एंड सेंटेंस एंड acquittal or discharge the accused or order him to be retired by a court competent jurisdiction subordinate to such appellate court of or sent for trial. Number 2, alter finding maintaining the sentence or without altering the finding reduce the sentence or with or without such reduction and with or without altering the finding alter the nature of sentence but subject to provisions of section 106 दफ़ा 106 की सब्जेक्ट के तहत सब सेक्शन 3 नॉट सो एज टू इन्हेंस द सेम। ये दफ़ा 423 की भी वैली दफ़ा जो है कहती है कि एप्लेट कोर्ट जो है अगर वो समझती है कि ये सही है, इसमें एप्लेट जो है उसने सही पॉइंट रेज किया है कि मेरे ख़िलाफ़ गलत फैसला हुआ है, तो वो उस फैसले को स्टडी करेगी, फाजल अदालत हायर कोर्ट यानी हाई कोर्ट देखेगी, फाइंडिंग्स देखेगी। अगर वो समझती है कि ये ठीक है तो उस मुकदमे में वो अपनी जजमेंट के तहत हाई कोर्ट के फाजल अदालत जो है हाई कोर्ट उसके जज साहबान जो हैं वो उसको अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं उसमें, मगर वो उसको बढ़ा नहीं सकते।
ये दफ़ा 106 सेक्शन 3 कहती है। तो उसको देखेंगे, स्टडी करेंगे, अगर वाकई फाइंडिंग जो है फैक्ट ऑफ लॉ और मैटर ऑफ फैक्ट्स को नहीं देखा गया सही तरीके से, ऑर्डर पास कर दिया गया है, तो हायर कोर्ट हाई कोर्ट जो है वो देखती है कि ये गलत हुआ है, तो उसमें वो अमेंड भी कर सकती है, रिड्यूस भी कर सकती है, उसको सजा को भी कम कर सकती है, उसमें कोई तब्दीली लाना चाहती है तो वो ला सकती है अपलेट कोर्ट, मगर उसको बढ़ा नहीं सकती उससे ज़्यादा। इसकी सब सेक्शन सी यानी 3 ऑफ सेक्शन 423 कहती है, इन एन अपील फ्रॉम एनी ऑर्डर, इफ एन अपील फ्रॉम एनी अदर ऑर्डर आल्टर आर रिवर्स सच ऑर्डर, को एपिलेट कोर्ट जो है उसको तब्दील भी कर सकती है, रिवर्स भी कर सकती है जो ऑर्डर उसके खिलाफ पास हुआ है लोअर कोर्ट से। नंबर 4D जो है दफा 423 की, वो हमारी रहनुमाई करती है कि जो एपिलेट कोर्ट है वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए मेक एनी अमेंडमेंट आर इन एनी कॉन्सिक्वेंशियल आर इंसिडेंटल ऑर्डर दैट मे बी जस्ट आर प्रॉपर। अगर वो समझती है कि ठीक है ये ऑर्डर पास हुआ है उसमें तब्दीली भी कर सकती है, उसके नतायक हकायक को अंडर द लॉ। तो ये था आज का मेरा टॉपिक दफ़ा 423 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत, इसमें हमारी क्या रहनमाई होती है, रहनमाई हमें क्या मिलती है, एपलेट कोर्ट के पास क्या इख्तियारात हैं कि हमारी अपील अगर एक्सेप्ट हो गई है तो उसमें क्या तब्दीलियाँ वो कर सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट को भी याद रखें, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। मेरे चैनल को आबद एडवोकेट हाईकोर्ट ऑन यूट्यूब पे को व्यू करते हैं, सब्सक्राइब लाइक और व्यू करते हैं, अल्लाह ताला हम सब पे, इस माशरे पे, इस मुल्क पे, इस दुनिया पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।